हेलो दोस्तों, वेलकम टू डी टी वेंचर। मेरा नाम धवल ठक्कर। आज आपके सामने मैं जो स्टॉक लेकर आया हूँ, मेरे हिसाब से ये स्टॉक फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग साउंड कर रहा है। और यहाँ पर मैं एक मान के चलता हूँ कि हमें एक 5,000 रुपये की एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट ये स्टॉक के अंदर से करनी चाहिए, जिसके अंदर मैं हमेशा कहता हूँ कि एक 5,000 का छोटा सा स्टॉक SIP हमें करके चलना चाहिए ये स्टॉक के अंदर। और मेरा मानना ये है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म ये स्टॉक आपको कम से कम 70-80% की मूवमेंट देने के लिए रेडी है। तो बिफोर मैं स्टार्ट करूँ कि यहाँ पर इसके फंडामेंटल्स क्या है, अगर आपको मेरा वीडियोस अगर पसंद आते हैं तो फिर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल DT वेंचर पे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम सबसे पहले मैं सीधे स्टॉक के ऊपर आ जाऊँगा। तो स्टॉक का जो प्राइस है, यहाँ पर स्टॉक का प्राइस है, यहाँ पर 478 रुपीज़ का आज इसका स्टॉक का प्राइस है यहाँ पे। और स्टॉक जो है, मतलब ऑल टाइम 52 वीक हाई जो है ये स्टॉक का, वो 612 रुपये के आसपास का है। और 52 वीक लो जो था ये स्टॉक का, वो है 118 रुपया। और अब ये स्टॉक ऊपर से 612 से करेक्ट होके 478 के आसपास में ये स्टॉक आया हुआ है यहाँ पे, मतलब ऑलमोस्ट ऊपर से, मतलब 125-150 रुपये का करेक्शन करके यहाँ पर कहीं ना कहीं ये स्टॉक 478 पे स्टेबल है। स्टॉक का जो मार्केट कैप है, मार्केट कैप स्टॉक का है 13,254 करोड़ का मार्केट कैप है। 2020 के अंदर इसका जो सेल्स था, ये सेल्स था 1,091 करोड़ का, 1,091 करोड़ का। और 2024 में इसने 2,233 करोड़ का इसने सेल्स रिपोर्ट किया हुआ है। नेट प्रॉफिट जो है 2020 के अंदर इसका 25 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, और 2024 के आसपास में इसका नेट प्रॉफिट 262 करोड़ का है, 262 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट 10 गुना बड़ा है। और सबसे पहले अगर मैं आपको बताने जाऊँ तो ये स्टॉक की ये अच्छी बात यहाँ पर क्या है कि ये स्टॉक ने यहाँ पे CAGR प्रॉफिट रिटर्न 66% का दिया हुआ है लास्ट 5 साल के अंदर। स्टॉक ने काफ़ी सारा अपना डेप्ट रिड्यूस किया, और इस हद तक रिड्यूस किया हुआ है कि स्टॉक अभी कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री स्टॉक है। और यहाँ पर जो कंपाउंड सेल्स ग्रोथ है ये स्टॉक का, वो 35% का है पिछले 3 साल का। और जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 160% का है पिछले 3 साल का। और जैसे मैंने अभी पहले बताया था कि 66% का CAGR प्रॉफिट ग्रोथ है 5 साल का। इसका जो ROE है, रिटर्न ऑन इक्विटी है, वो 17% है पिछले 3 साल का। ROCE जो है वो 34.40% का है। अब मैं आता हूँ इंपॉर्टेंट सेक्टर के ऊपर, शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर मैं आपके साथ में एक स्क्रीनशॉट भी शेयर करूँगा यहाँ पे, जहाँ पे FIS की होल्डिंग को लेकर मैंने आपके साथ में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करी है, जहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न 59% इसका जो शेयर्स है वो प्रमोटर के पास में है, और 4.59% जो है FIS के पास में है। और अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि FIS ने पिछले 3 और 6 महीने के अंदर ये कंपनी के अंदर अपना स्टेक बढ़ाया हुआ है। और ये कंपनी जो है, कंपनी का जो मोड ऑफ़ बिजनेस है वो बैटरीज़ का मोड ऑफ़ बिजनेस है, बैटरीज़ के अंदर ये कंपनी काम करती है। और अब जैसे कि आप जानते हो कि यहाँ पर US और चाइना की तरफ से, मतलब कुछ टेंशन चल रही है बैटरी सेगमेंट को लेते हुए। अब वो टेंशन ये है कि मोस्ट प्रोबेबली US जो है चाइना की तरफ से जो भी बैटरीज़ का इम्पोर्ट जो है वो बंद करने की बात कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें अगर फैक्टर इन अगर होती है तो ये स्टॉक को काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा। और ये स्टॉक के अंदर इसलिए मैं कहता हूँ कि एक 5,000 की एक छोटी सी स्टॉक SIP करके आपके पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करके चलिए, आपको ये फ्यूचर के अंदर बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स देगा। और ये स्टॉक का जो नाम है, स्टॉक का नाम है HBL पावर स्टॉक का नाम है। और यहाँ पर ये स्टॉक के अंदर एक छोटी सी SIP करनी है। ऐसे बहुत सारे जो स्टॉक्स हैं मैं आपके सामने लेकर आऊँगा, जिसके फंडामेंटल फैक्टर इसके साथ में मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐसी ही छोटी छोटी SIP करके चलना चाहिए जो आगे जाके आपको बहुत बड़ा रिटर्न्स देगा। तो आने वाले वीडियो के लिए वेट कीजिए, फिलहाल के लिए ये HBL पावर के ऊपर आप ध्यान रखिए। एक छोटा सा SIP अगर आप बना सकते हो तो बना लीजिए। और अगर डिस्क्लेमर आपको पढ़ना है तो मेरी वेबसाइट www.dtventure पे जाके आप डिस्क्लेमर भी पढ़ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल DT Venture।